यहाँ पे बहुत दिनों के बाद बड़ी खतरनाक बड़ी ठंडी लग रहा है। अभी अभी जा रहे हैं हम पैदल पैदल ऊपर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। अभी सुबह का 8:30 बज गए हैं और सामने का नज़ारा देखो गाइस, सूर्यदेव भी बहुत जोर से तेज लगा है। सूर्य का जो धूप है ना उधर पे, आहा व्यू। और आज हम फाइनली यहाँ जाने वाले हैं। हमारा सामान पैक हो गया अपने हम सफर पर। इधर भाई का टेंट है और इसका अजीत भाई का टेंट ऊपर में है। अभी लोग अपन लोग जा रहे हैं और आज जो फेस्टिवल था यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल वो ख़त्म हो गया है। आज 11 तारीख है, ख़त्म होने के बाद अब नेक्स्ट ट्रिप है हम लोग का है मणिपुर, और हम लोग जा रहे हैं अभी मणिपुर। पूरा ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया यार। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फेस्टिवल मैं मतलब अटेंड किया हूँ, इससे पहले मैं कभी अटेंड नहीं किया था। आप सभी को भी मज़ा आया होगा देख देख के, हमें तो मैं तो कभी देखा भी नहीं था ऐसा फेस्टिवल, फर्स्ट टाइम देखा हूँ, मज़ा आया बहुत। और इधर पे भी रह के मज़ा आया बहुत, नया नया दोस्त बने, बहुत कुछ नया नया एक्सपीरियंस हुआ है। तो आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ वाला जो सीरीज़ है। बाकी हम लोग निकलने वाले हैं, एकदम तैयार हो गया मैं भी। उधर एक भाई सो गया है ऐसे ही, और सभी लोग जा चुके हैं। अभी उधर दिखाते हैं आपको कि हम लोग कितने ऊपर से आए हैं। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ वाला भाई है वो भी नीचे में है पेट्रोल पंप में, उसको भी मिलेंगे अभी जाके। चलते चलते मिलते हैं आप लोग ब्लॉग में। तो गाइस अभी समय आ गया है योगेश भाई को विदाई देने का, और जाने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, क्योंकि ना हमने करीब यहाँ पे 7 से 8 दिन साथ में बिताया, साथ में खाना खाया, साथ में सोया, साथ में मस्ती किया, साथ में हॉर्नबिल फेस्टिवल इंजॉय किए, और अभी जाने का समय आ गया तो बहुत ज्यादा बुरा लगा यार। आकर भी लेकिन छोड़े लगे भाई ने। तो गाइस बहुत बुरा लग रहा है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी, गुवाहाटी से वॉक शुरू होगा हमारा, और भाई लोग निकल रहे हैं मणिपुर के लिए, और अमित भाई गया है बाथरूम, जो निकलेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो फिर बाथरूम के लिए बाकी गाइस हम लोग निकलने वाले हैं अभी, और हमें सौरभ भाई ने गमछा फेर दे दिया है, बताओ वो भी किसका फेंका हुआ, मेरे को पहला दिया है बताओ है। अरे नहीं नहीं, दिल से दिया, अच्छे से रखना उसको, दिल से बुरा लगता है भाई ऐसा करते है, दिल से बुरा लगता है एकदम। तो बाकी गाइस हम लोग अभी अलग होने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, ये तो दुनिया का वसूल है। वसूल तो कौन बनाया इस वसूल को, दुनिया का वसूल है, कौन बनाया इस वसूल को बताओ, कि आने के बाद जाओ करके बढ़िया। तो बाकी गाइस हम छत्तीसगढ़ या भाई लोग को आप देखोगे तो सपोर्ट जरूर करना, और हमारे स्पेशली छत्तीसगढ़ वाले जितने देख रहे हैं उनको निवेदन है कि आपके देश का मतलब राज्य का लड़का कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और सपोर्ट बहुत करो, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट, हाँ, वीडियो का शेयर, राम भगवान का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए ना, वो सब चीज अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, सही है। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, और अमित को भी मिलाते हैं, अभी वो लेटरिंग गया है, लेटरिंग गया है तो लेटरिंग बंद करते हैं, चलो हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। इधर पे हमारे अरिजीत सिंह भाई, अमित भाई, इधर पे अपना सौरभ भाई, और सामने का मौसम देख रहे हो भाई खतरनाक, और भाई लोग को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तेरे को मन कर रहा है छोड़ने का है, क्यों झूठ बोलता है, 150 रुपया काट रहे इसका, ओवर एक्टिंग करता है बता वाला। बाकी भाई से भी अब निकलेंगे हम लोग, मिलेंगे रे, अरे मिलबो रे छत्तीसगढ़ में, लोग अभी रास्ता मिलबो ना सिक्किम में, और भैया लोग हैं पेट्रोल पंप वाले, दिल से धन्यवाद भैया लोग, आप लोग ने यहाँ पे रुकने के लिए बहुत जगह दिया, कितना दिन हो गया हम लोग को, 10 दिन, 10 दिन तक भैया लोग बताओ, बस है भाई वही डेरा जमा लिए थे अपन लोग, हम लोग 2 दिन आगे, इन लोग नहीं होते तो हमारा फोन चार्ज नहीं होता, हाँ सही है, अपना भी पावर बैंक यहीं से चार्ज होके ऊपर आता था, क्योंकि वहाँ ऊपर में सुविधा नहीं था ना। और बाकी आज फाइनली निकलने वाले हम लोग का यहाँ पे अपना हम सफर, मेरा साइकिल का नाम है हम सफर, हाँ बता दे रहा हूँ ठीक है, कोई नहीं, हम सफर क्या है, हम सफर, हाँ हम सफर है अपना साइकिल का नाम भाई। तो बाकी निकलते हैं हम लोग आज, इधर पे रोड बहुत खतरनाक वाला है, क्योंकि बोल तो रहे हैं कि बहुत खतरनाक है रोड, अब जाते जाते पता चलेगा कैसा रोड है क्या है, और यहाँ पे 20-25 किलोमीटर बाद लग जाएगा ना बॉर्डर,
मणिपुर बॉर्डर लग जाएगा 20-25 किलोमीटर बाद तो, और रोड बहुत खराब है, लेकिन आप देखते रहना, हमें पता नहीं है कैसा रोड है क्या है। और सामने का माहौल यार नागालैंड बहुत याद आएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हम 7-8 दिन बिताए हैं। सामने का नज़ारा देख रहे हैं, वाह वहाँ पे पहाड़ वहाड़ घर है, अभी और नज़ारा दिखाते जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी को आप लोग लोगों में। तो वाकई जी हम लोग निकल गए हैं मणिपुर के लिए, नेक्स्ट स्टेट हमारा मणिपुर। हाँ, और रोड बहुत ख़राब है इधर, अभी से यहाँ से पता चल रहा है। और बाकी जो भाई थे सौरभ भाई और अमित भाई, वो लोग भी निकल गए पैदल पैदल, वो लोग जाएंगे अभी दीमापुर, उसके बाद वो लोग भी अलग अलग हो जाएंगे। बाकी यार एक पल मिलो और बिछड़ जाओ ना, मज़ा नहीं आता है, लेकिन क्या करें, हमें तो करना है, जाना है, फिर मिलेंगे कभी। बाकी इधर का नज़ारा देखो आप लोग, और देख रहे हैं रोड बहुत ख़राब है बाबा, बहुत देख के चलना पड़ेगा हमको। तो चढ़ाई तो है ही है, चढ़ते आ रहे हैं पैदल, और अभी देखो यहाँ रोड भी खराब है बहुत, वाह बहुत चैलेंजिंग वाला आज तो दिन है ये राइड, क्योंकि रोड भी ख़राब है और पता नहीं है कितना दूर तक रोड ख़राब है, नहीं पता। अभी तक 8 किलोमीटर ही आए हैं हम। अभी आप सभी को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी तो खड़े हुए हैं और देख रहे हो कितना धूल हो गया है, बहुत ज़्यादा धूल जमा है इधर पे। नीचे देख रहे हो जो वाइट वाइट दिख रहे हो ना, ये सब सीढ़ी नुमा खेती किए हैं और चावल का खेती किए हैं भाई। ये पहाड़ों में भी चावल का खेती होता है और बहुत सारा खेती होता है, और यहाँ पूरा चावल का खेती किया, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी परत। और इधर है झुकू वैली, वो उधर जाना पड़ता है, ट्रैक है एक बहुत फेमस जगह है झुकू वैली, वो आगे ट्रैक है उसका, आप जा सकते हो। यहाँ हो तो नागालैंड कोहिमा आओ ना, तो वहाँ एक बार ज़रूर जाना, मैं नहीं जाया लेकिन नेक्स्ट बार आऊँगा और जाऊँगा। हाँ देख रहे ऐसा खेती करते हैं। बाकी चलते हैं आगे, अभी और हमारे टप टप रास्ता मिलने वाला है। तो गाइस ये रोड का तो बुरा हाल है और हमारा भी बुरा हाल हो गया है भाई साहब, इतना रोड गंदा है ना ये तो पूछो मत, और पता कितना दूर तक होगा पता नहीं है, और धूल भी बहुत उड़ रहा है, छोटा छोटा गाड़ी जा रहा है ना उसी में धूल उड़ रहा है बहुत। और अभी बड़ा गाड़ी इधर पे आना थोड़ा बंद हो गया है, दो 10 चक्या हो गया है, 16 चक्या हो सब गाड़ी, उतना धूल नहीं उड़ रहा है, लेकिन जो छोटा गाड़ी आ रहा है ना उसी में भी बहुत धूल उड़ रहा है। देख रहे हो कैसा है रोड, अरे बाप रे, देख रहे हो भाई छोटे छोटे बच्चे ऊपर से लकड़ी ला रहे हैं आग जलाने के लिए, और पूरा ऊपर काटे हुए हैं, ओ तेरी। और इधर पे रोड भी खराब है और ये पूरा आग जलाने के लिए लकड़ी ला रहे हैं वो पहाड़ से, ओह पहाड़ में रहना इतना आसान बात नहीं है, जिंदगी बिताना कठिन, बहुत कठिन भी होता है, पानी का लकड़ी का वहाँ ऊपर नीचे होना बहुत ज़्यादा। अभी जा रहे हैं हम पैदल पैदल ऊपर, चढ़ाई बहुत है इधर और रोड भी ख़राब है, तो पैदल ही जाना उचित है। देख रहे होगे रोड कैसा है इधर, और गाड़ी लोग इतना भगाते हैं ना, धुआं उड़ाते जाते हैं दुल्ला, ओ भाई। तो फाइनली गाइस 5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद इधर से आए हम चढ़ते चढ़ते, वो पहाड़ी कितना पहाड़ी, मतलब 4-5 पहाड़ी को ऐसे घूमते हुए 6 किलोमीटर किए होंगे चढ़ाई। अब हमें जाना है इस साइड में, यहाँ से अब 5 किलोमीटर दूर है मोवाकर की सिटी है जो मणिपुर में आता है, मणिपुर का बॉर्डर, अभी एक और न्यू राज्य में पहुँचने ही वाले हैं। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आप सभी को मिलाते हैं एक न्यू राज्य में, आप सभी को वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, बने रहिए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मणिपुर, और ये मणिपुर का फर्स्ट विलेज है, क्या ना, मऊ है। अब यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको ना परमिट बनाना पड़ेगा,
ILP परमिट ये हम बना चुके हैं। यहाँ 100 रुपया लगता है परमिट बनाने के लिए। और ये हमारा भारत भ्रमण का 22वां राज्य है। तो आप सभी को स्वागत है हमारा भारत भ्रमण का 22वां राज्य मणिपुर में। अब इधर पे जाएंगे हम सीधा मणिपुर की ओर। और यहाँ परमिट भी बन गया है, ये 15 दिन के लिए परमिट बना है। और यहाँ पे परमिट बनाते हैं और वहाँ पे गेट है उसका। बढ़िया तो बाकी गाइस यहाँ पुलिस वाला है ना, वो लोग बोल रहे थे कि मत बना वीडियो, हम लोग जाते हैं। तो गाइस हमें घुस गए मणिपुर में, एक जगह का नाम है माऊ, माऊ टाउन है, माऊ टाउन माऊ। अब देखते हैं इधर पे, आप सभी को नज़ारा दिखाएंगे यहाँ क्या क्या है और सब। लेकिन ठंडी बढ़ गई यहाँ पे, अभी इस वक्त 4 बजने वाले हैं, 20 मिनट बाकी हैं। देखो इधर मार्केट वार्केट भी लगा है। बाकी गाइस गुड इवनिंग, आप सभी जाने को माऊ करके जगह है, वहाँ से निकल गए हम। और भाई साहब ये रोड तो बड़ा मस्त है, लेकिन ठंडी इतना ज़्यादा लग रहा है ना पूछो मत, खतरनाक और ठंडी लग रहा है। अभी 4:20 हुआ है और इधर पे जल्दी शाम हो जाता है। इधर पे थोड़ा सा रोड खराब है क्या तू? ओ, ओ भाई भाई भाई, ठंडी बहुत खतरनाक है, लेकिन ऐसे ज़्यादा रोड खराब नहीं है, बड़ा मस्त है रोड। और अभी हमें रुकने का जगह देखना है, कैंपिंग करेंगे। हम हैं मणिपुर में, माऊ मणिपुर राज्य में हैं। और माऊ से 10 किलोमीटर आगे आके एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल, वहाँ पे रुके हैं। और हम लोग टेंट लगाए हैं इधर पे, मस्त टेंट लगा के दोनों भाई इधर पे आ गए हैं मस्त। और अभी हमें खाने का यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, हम बना रहे थे खाना, लेकिन यहाँ के जो पेट्रोल पंप वाले भैया लोग हैं वो लोग हमें आज खाने में इनवाइट किए। बिहार के हैं और रोटी, बिहार के हैं, यूपी बिहार के भैया लोग। हम लोग अभी जाएंगे वहाँ खाना खाने के लिए, और भाई भैया लोग को भी मिलाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे और आप सभी को मिलाएंगे। बाकी आप लोग ब्लॉग में अभी बने रहिए, ये ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद ख़त्म होगा, बस देखते रहना थोड़ा सा। तो बाकी गाइस हम लोग आ गए हैं भैया लोग के जो पीछे साइड में है, एक किचन है और यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे बहुत दिनों बाद बढ़िया वाला मतलब अच्छा खाना मिलता है, लेकिन बहुत दिन बाद अंडा करी चावल और रोटी खा रहे हैं। बहुत दिन हो गया था चावल नहीं खाए थे हम, हाँ ठीक ठाक। और ये भैया भाई लोग हैं, इन्हीं का लोग हैं, सुबह मिलाएंगे सबसे। और ये भैया लोग हमें अंदर में सोने के लिए दिए हैं इधर, क्योंकि अंदर आ जाओ बोले बाहर ठंडा लगे, बोले पूरा सामान हम लोग इधर पे ही ला लिए। तो खाना वाना खाते हैं उसके बाद सो जाएंगे, तो आपको मिलेंगे हम सुबह टाइम में। इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको सुबह में। अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं लगा तब भी कमेंट कर देना। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना और घर पर स्वस्थ रहना गाइस। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।